व्हाट्स अप मेरी यूट्यूब की फैमिली, मेरा नाम है सुमित और आप ऐसे हैं ब्लॉग्स में। दोस्तों ये वीडियो है बैट की प्रोटेक्शन को लेके। जी हाँ, मेरे पुराने वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि बैट पे कितना ऑयल करा जाए, बैट को नॉक कैसे करा जाए और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये वीडियो अगर आपने शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में बैट है, चाहे वो इंग्लिश बिल्लो हो या कश्मीरी बिल्लो, अगर आपने उसको प्रोटेक्शन देना है या उसको प्रोटेक्ट करके रखना है तो दो तीन चीजें आपके घर पे होनी चाहिए। एक होता है बैट और दूसरा होता है मैलेट, जिसे आप कई हैमर बोलते हैं। तीसरा होता है आपका सैंडपेपर। ये तीनों चीजें बताऊंगा मैं आपके लिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे इसका करते हैं इस्तेमाल। पहला होता है बैट ऑयल। बैट ऑयल का बेसिक यूज होता है बैट के ऊपर मॉइस्चर क्रिएट करने का, क्योंकि बैट वुड होता है, लकड़ होता है, हर एक को पता है। अगर लकड़ ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो लकड़ ज़्यादा ड्राई ना हो इसलिए हमें टाइम टाइम पे उसके ऊपर ऑयलिंग करनी चाहिए। फिर सवाल उठता है कि बैट के ऊपर कितना ऑयल करा जाए, तो ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल डेली बैट के ऊपर ऑयल कभी नहीं होता है, चाहे आप डेली क्रिकेट क्यों ना खेल रहे हो। आप खुद वुड को टच करके देख सकते हैं कि उस पर आपको मॉइस्चर फील हो रहा है या बैट ड्राई हो रहा है, या कई बार आप देखेंगे कि बैट के ऊपर क्रैक पड़ने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बैट काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और उसे ऑयलिंग की ज़रूरत है। दूसरा सैंड पेपर। सैंड पेपर मैंने क्यों बोला अपने घर पर रखने के लिए, सैंड पेपर दो क्वालिटी में आता है, एक मोटा एक पतला, तो वो किसी भी आपको शॉप से मिल जाएगा। सैंड पेपर से आप अपने बैट को टाइम टाइम पे क्लीन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि पानी से तो आप बैट क्लीन करेंगे नहीं, वरना आपका बैट ख़राब हो जाएगा। तो सैंड पेपर से आप हल्का, बिल्कुल हल्का से आप उसको क्लीन करते रहिए ताकि बैट गंदा ना लगे। ऑब्वियसली अगर आप बैट कैरी करें तो आप चाहेंगे कि आप एक साफ़ सुथरा बैट कैरी करें। तीसरा मैलेट, जिसे आप हैमर बोलते हैं। हैमर अपने घर पर रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि जब आप बैट बॉल खेलते आते हैं, कोई बॉल बहुत ज़ोर से अगर बैट में लगा हुआ है तो वहाँ पे कुछ उभार और डपाल रह जाता है बैट के ऊपर। कुछ कई बार उभार आ जाता है, जहाँ बॉल लगा होता है वहाँ पे थोड़ा डेंट पड़ जाता है, तो उस डेंट को साइड से लकड़ को प्रेस करने के लिए आपके पास हैमर हमेशा घर पर होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी अगर आपकी मैं बात कर लूँ तो एक पुराना बॉल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संडे संडे क्रिकेट खेलते हैं तो खाली संडे के दिन जा रहे हैं और सीधा बैट खेल रहे हैं। आप सैटरडे से बैट के ऊपर एक दो बॉल मारना शुरू करिए ताकि वो वुड भी उसका यूज टू हो जाता है। संडे संडे क्रिकेट में ज़्यादा ब्रेक, बैट ब्रेक इसलिए होते हैं क्योंकि होता क्या है कि पूरे छः दिन बैट घर पे पड़ा रहता है, लकड़ अपनी पोजीशन में रहता है, सडनली आप पहला बॉल खेलते हैं और पहला बॉल ही किसी फास्ट बॉलर को होता है, आपका बैट डैमेज करता है। तो मेरी आपसे एडवाइस ये है कि सैटरडे से एटलीस्ट उस बैट को हल्का नॉक या उसके ऊपर दो तीन बॉल खेलना शुरू करिए। उससे होगा क्या कि आपकी मैच प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी जो वुड है वो नेक्स्ट डे के लिए रेडी भी हो जाएगी। आइए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा टॉन का बैट है, इसकी काफ़ी वीडियोज आप मेरे पास देख चुके होंगे। तो इस बैट्स को मैंने अपने अकॉर्डिंग जो रेडी करा है वो बताता हूँ पूरा मैं आपको। उससे क्या होगा कि शायद आपको अपना बैट रेडी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ ग्रिप। अगर आपको इस समय दिख पा रहा हो इसमें डबल ग्रिप है, मुझे थोड़ा मोटे हैंडल से खेलने की आवश्यकता है। कई लोग पतले हैंडल से खेलते हैं तो सिंगल ग्रिप से काम हो जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपने डबल ग्रिप से खेलना है या सिंगल ग्रिप से खेलना है। तो ये सिंगल ग्रिप है, इसको मैंने डबल ग्रिप कर रखा है तो इससे मेरी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी होती है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने करा रखा है। दूसरा इस बैट के ऊपर करारे की है टेप, इंग्लिश टेप ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे थे कि पहले सर्दियाँ थी, ग्राउंड के ऊपर काफ़ी मॉइस्चर रहता है, तो जब बॉल गीला होता है और वो विदाउट टेप के अगर बैट पर लगेगा ऑब्वियसली इसको गीला करेगा बैट को और वुड आपका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और अगर मैं आप देख पाऊँ तो इसमें हल्के हल्के ना मुझे अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं जगह जगह के, दैट मीन्स इसका ऑयलिंग का टाइम हो गया है। मुझे इसका इंग्लिश टेप रिमूव करना पड़ेगा, इसके बाद पूरा ऑयल करना पड़ेगा, थोड़ा ड्राई करना पड़ेगा, फिर दोबारा से एक नया टेप चिपकाना पड़ेगा। एक मेरी एडवाइस और है कि जो ये इंग्लिश टेप है इसको आप टाइम टाइम पे रिमूव करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप इस इंग्लिश टेप को काफ़ी टाइम के बाद रिमूव करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और पूरा बैट आपका ख़राब कर देता है। एक क्वेश्चन मेरे पे ये भी आया था कि जब मैं इंग्लिश टेप निकालता हूँ तो बैट काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है। जो स्टिकनेस है उसको छुड़ाने के दो तरीके हैं, पहला सैंड पेपर से आप रब कर लीजिए, लकड़ी निकलेगी तो ऑब्वियसली गम निकल जाएगा। दूसरा उसका ऑप्शन है ऑयल, जो बैट ऑयल होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लगा के आप रब करेंगे तो जो ग्लू है जो बैट के ऊपर लकड़ के ऊपर वो निकलना आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक आती है टो प्रोटेक्शन, मैंने इसके ऊपर एक बैंड लगा रखा है जो कि अप्रॉक्सीमेट मेरे को लग रहा है ये आधे से एक इंच का बैंड है। देखिए हर प्लेयर बैट अपने अकॉर्डिंग रेडी करता है, तो मैंने इस बैट को अपने अकॉर्डिंग रेडी करा हुआ है। अब इसका टाइम आ चुका है ऑयलिंग का, जैसे मुझे खुद फील हो रहा है कि इसमें काफ़ी अब ड्राइनेस आ गई है लकड़ के ऊपर एंड क्रैक पड़ रहे हैं, हल्के हल्के पड़ रहे हैं इसमें, तो मुझे निकाल के इसको करना पड़ेगा। देखिए क्रैक पड़ने का बेसिक रीज़न होता है जब आपकी लकड़ ड्राई हो जाती है, आप ऑयल करेंगे, अगर आप आईडी ले लें तो एक बार अगर आप ऑयल करेंगे तो दूसरी बार ऑयल करने में एटलीस्ट महीने भर का गैप तो होना चाहिए। मौसम में मॉइस्चर है, सर्दियों का माहौल है, तो आप दो दो महीने में भी ऑयल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, ड्राइनेस बहुत है, तो हर 15 से 20 दिन में आपको कई बार ऑयल करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वुड कौन सी लेवल का वुड है,
जैसे ये मेरा काफ़ी प्रीमियम लेवल का बोर्ड है, इंग्लिश फिलो बैट काफ़ी अच्छा है ये। अब देखिए इसी में ये भी इंग्लिश फिलो बैट है, ये 9 वाला जिसकी मैंने बात करी थी, तो दोनों के वुड में अंतर है, दोनों के प्राइस में अंतर है, तो वुड क्वालिटी में अंतर है। तीसरा अगर आप बैट लें DSC वाला, तो ये भी प्रीमियम इंग्लिश फिलो बैट है, इसकी वुड में अंतर है। तो डिपेंडिंग अमाउंट कि आपका बैट कैसा है, इसकी वुड क्वालिटी क्या है, इसको कितने टाइम में टेप निकालना है, कितना ऑयलिंग करना है, कितना मॉइस्चर करना है, जैसे आप चीज़ों पर इन्वॉल्व होते रहेंगे तो आपको सब चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगा हो इन्फॉर्मेटिव तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, उससे होगा क्या कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों स्टे हेल्थी स्टे सेफ, वैसे भी आजकल कोरोना वायरस काफ़ी चल रहा है, जब बहुत ज़्यादा नीड हो तो जाएँ, और एक आध संडे अगर मैच स्किप हो सके तो हो लीजिए, जैसे हम भी स्किप कर रहे हैं संडे का मैच। तो तब तक के दोस्तों बाय बाय।